नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। अगला इकाई इकाई 3 इंसानियत की मिसाल। यह एक चित्र है। चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में एक कविदांश है। आज फिर से तुम बुच्छा दीपक जलाओ। चित्र और कविदांश क्या बताते हैं? सहानुभूति नहीं, सहानुभूति उपजाओ। हम सबको अन्य जीवियों के प्रति समान अनुभूति प्रकट करना है। पाठकों को प्रेरणा देने की क्षमता साहित्य में है। वह मानव को संवेदनशील बना सकता है। यह बुच्छा दीपक जलाना का मतलब क्या है? बच्चे बुच्छा दीपक जला रहे हैं। कैसे? बच्चे नीचे गिरे हौसले और चिड़िया को पेड़ पर रख देते हैं। यह उनकी समान अनुभूति प्रकट होती है। इसके द्वारा बच्चे बुच्छा दीपक जलाते हैं। बच्चों, समानुभूति प्रकट करने का कोई अवसर आपको मिला है? ये तस्वीरें देखिए। आगे हम समानुभूति की झलक प्रकट होने वाला एक समाचार पढ़े। पेज नंबर 44 इंसानियत की मिसाल। बद्रीनाथ। उत्तराखंड में 18 दिनों से फंसे लोगों की जान बचाने का काम खत्म हो चुका है। कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख कर यह काम किया। उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। वहां लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीक को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया। औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया। इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत रह गई। द वर्क ऑफ सेविंग द लीव्स ऑफ पीपल ट्रैप्ड फॉर 18 डेज इज ओवर इन उत्तराखंड। Many people have done this work by carrying their leaves on the palm. The flood caused havoc at Badrinath in Uttarakhand. Thousands of pilgrims were badly trapped and they were flown out by helicopter. Rajesh Sharma of Lucknow and Parik of Rajasthan have already got the chance to go home, but they refused to leave. Instead of that, they gave their opportunity to others who are in pathetic condition. Everything flowed through this terrible holocaust, but humanity remained. यह घटना कहां हुई? उत्तराखंड में। कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर यह काम किया। जान हथेली पर रखकर काम किया, इसका क्या मतलब है? जान को खतरे में डालकर काम करना। उत्तराखंड में आए सैलाब ने बद्रीनाथ में भी जमकर तबाही मचाई। हजारों तीर्थयात्री बुरी तरह फंस गए थे। हजारों तीर्थयात्रियों को कैसे निकाला गया? उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीख को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी। किस लोगों को घर जाने की बारी कई दिन पहले आ गई थी? लखनऊ के राजीव शर्मा और राजस्थान के पारीख को। लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि औरों की तकलीफ देखकर इन्होंने अपना मौका दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिया। इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन इंसानियत
रह गई। इस घोर प्रलय में सब कुछ बह गया, लेकिन क्या रह गई? इंसानियत रह गई। इंसानियत रह गई, इसमें क्या तात्पर्य है? अन्य जीवियों के प्रति दया होने वाला मानव आज बहुत है। परोपकार एक अच्छा काम है। समाचार पढ़ा, चित्रवाचन किया, अब बताए। पेज नंबर 45, वहाँ एक चित्र है। चित्र ध्यान से देखिए, पहाड़ी की ओर ध्यान से देखिए। इसकी हालत क्या है? पहाड़ तोड़कर मिट्टी लेते हैं। पेड़ देखो, पेड़ की हालत क्या है? पेड़ सूखा हो गया है और नीचे गिरा है। जानवर की हालत क्या है? भोजन और पानी के बिना शरीर सभी सूखा है। नदी की हालत क्या है? नदी सूख जाती है। यह दृश्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं के बाद की वास्तविकता है। ऐसा प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण मनुष्य ही है। अनियंत्रित खेत खनन और पेड़ों की कटाई इसका मूल कारण है। संदेश वाक्य जोड़े, पोस्टर को और सार्थक बनाए। प्रकृति हमारा वरदान है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।